एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, नहा वाली हूँ मैं। और आज घर में इतना ज्यादा सुबह से काम चल रहा था ना कि मैं नहाने में आज मुझे 1 बज गया। 1 बजे दिन में मैं नहा रही हूँ। पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया ना, तो मैं और लाइट भी कट गया था। मैं वेट कर रही थी कि मोटर मतलब लाइट आता तो मैं मोटर चला कर ठंडे पानी स्नाती, जिसकी वजह से 1 घंटा तो मुझे लाइट का इंतजार करने में लग गया। तो 1 बज गया नहाने में। अभी मैं नहा धोवा करके फ्रेश हुई हूँ और यहाँ पे मैं चावल चढ़ाई हूँ और दूध गर्म कर रही हूँ। तो फाइनली आज घर का पेंट पूरा ही खत्म हो चुका है, सारा ही सब कुछ हो चुका है। बस अब जितने भी सामान बिखरे हुए हैं बाहर के, जैसे छत पर का और सोरे में का, बहुत ज्यादा भी सामान बिखरा हुआ है, तो सब कुछ सेट करना है, धुलना है। और सोरा धुलना तो सबसे मुश्किल काम है। तो देखे हैं, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया था तो मैं नहीं की हूँ, कल उसके लिए देखूंगे। और मेरा घर कैसा लग रहा है आप सभी को अभी दिखाऊंगी मैं। तो आज जाकर के पूरा फाइनल हो चुका है और जो ऊपर ऊपर से दीवार में जो बनाना था फिगर ना, वो भी आज सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग तो हालांकि मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्या बताएं। इतना मेहनत से इतना अच्छा अच्छा मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, लेकिन ना मतलब कुछ भी हो नहीं रहा है। इतने कम व्यूज आ रहे हैं, व्यूज मतलब ना के बराबर आ रहे हैं। और जब व्यूज नहीं आता है ना, तो फिर वीडियो बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। जब व्यूज आता है ना, तो डालने का भी मन करता है। ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैं कुछ अच्छा करूंगी, कुछ अच्छा करूंगी। बट अच्छा मैं कर रही हूँ, मैं अपने जाने में बहुत अच्छा कर रही हूँ। और मुझे पता भी है कि पहले से मेरा वीडियो बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अचानक से व्यूज कभी बढ़ जाते हैं, कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं। अभी मेरे व्यूज बहुत डाउन हो गया है, जो कि मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ब्लॉग मेरा पहले से ज्यादा अच्छा है, ब्लॉग हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी की मर्जी, मन करे तो देखे, मन करे तो ना देखे। मेरा तो काम है वीडियो बनाना, अब मुझे आदत सी बन गई है, तो अब ये आदत मेरी छूटने वाली नहीं है। चाहे व्यूज आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं व्यूज के लिए कुछ भी नहीं करूंगी, बस अब मेरी आदत हो चुकी है, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और इसी तरह से वीडियो डालती रहूंगी। देखते हैं कितने साल लगते हैं, कितना देर लगता है। एक तो पहले यूट्यूब का मतलब नियम इतना ज्यादा खराब है कि क्या बताएं। जैसे हम यूट्यूब का नियम है, वैसे तो किसी का वर्स्ट टाइम कंप्लीट होने से रहा। पहले का जिसका हो चुका है हो चुका है, अब भी किसी का वर्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर मानिए कि जितना वर्स्ट टाइम मेरा हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जाता तो होता है, लेकिन जितना बढ़ता है उससे ज्यादा माइनस हो जाता है। तो फिर ऐसा तो किसी जीवन में भी कम्प्लीट नहीं होगा, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन जैसे मेरा काम है जो बनाना, मैं अपना काम करूंगी, आप सब अपना काम कीजिए। तो फिर एंजॉय कीजिए ब्लॉग को, मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि कैसे किस तरह से पेंट आगे हो रहा है घर में। करिए मम्मी पेंट थोड़ा का घर तो भगवान जी का सारे लोग उठा दिए थे, भगवान जी को रख रहा है। हाँ ये देखिए, अब ऐसे रखनी है, इधर पूरा छीटा हुआ है ना ये सब। चप्पल हटा दीजिए, गाइस ऊपर देखिए हम वो कृष्ण भगवान राधा कृष्ण बनवाए हैं। मम्मी ऐसा होता है ना, जैसे रूम टाइप में होता है ना, गेट वाला मंदिर है। अरे तो मानेगा ना भगवान जी, मुझे अपना घर देंगे तो मैं गेट वाला मंदिर बना दूंगा। हां ऐसे कौन का है, दूसरे के घर में हम क्या बना, अपना ही घर है। हमारे घर है, लेकिन फिर कुछ तोड़ फोड़ नहीं ना कर जो मम्मी वो जो आप वो ऑरेंज वाला जो है ना, क्या है वो वालन? नहीं उसके बगल में ये। हाँ अच्छा, कृष्ण भगवान को आप निकाल दीजिए डब्बे से, काहे ना ऐसे अच्छा नहीं, ऐसे पैक एकदम अच्छा नहीं लगता ना समय। Thank you.
अभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? तुम लोग का सर आएंगे तो अभी पढ़ाई करने बैठ जाना अच्छे से, ठीक? मान लो कि अगर हमको आने में बुलबुल थोड़ा सा अगर लेट भी हो जाता है ना, बस लेट तो वैसे हम नहीं करेंगे, लेकिन 5-10 मिनट मानो कि लेट भी हो जाता है तो घर में कोई भी शैतानी नहीं होनी चाहिए, तुम लोग आराम से अपना रहना, ठीक? प्रियल मेरा पर्स दे दो, यहाँ मेरी वीडियो चल रही है। इसकी क्वालिटी एकदम बेकार है। साउंड इसका कम करो, इसका साउंड बिल्कुल ही कम करो। ये नहीं कि इसके चक्कर में तुम बार बार आते जाना आते जाना, एक घंटे आके निकल दे दीजिएगा, आके फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा यहाँ पे देना है, देखो लाइट बंद कर दे ना, मेरा बॉस ए बाबू का घड़िया ले ले क्या, थोड़ा सा दिखा देंगे, बने या ना बने थोड़ा सा किसी घड़ी के दुकान पर दिखाएंगे, देखे घड़ी इतना बढ़िया घड़ी है बेचारा का, ये जल ही नहीं रहा है, चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो गाइस आ रहे हैं हम मार्केट से, चल आई हूँ मम्मी, चल आई हूँ। मम्मी आप दो दो ड्रम लाएंगे। एक और ला दी था तो मम्मी इधर नहीं आई, वो इसमें तो पूरा चेहरा दिख रहा है। दिखाई दिखाई मुझे दिखाई शीशा, उस शीशे में सही से दिख नहीं रहा था। हाँ उस शीशे में ओए मुझे दिखाइए ना, मैं यहाँ पे ये रहा पता नहीं। हाँ 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 मम्मी ब्लू दीवार पे लगाई था, ब्लू ब्लू ये हॉल में, हॉल में, हॉल में लगाइए मम्मी, जहाँ पे पहले हाँ उसके साइज का भी है ना एकदम। मम्मी आप ये क्या कर रही हैं, चढ़ गई क्या कर रही हैं? इसको साफ कर दे, एकदम गंदा हो गया था और इसमें कवर लगाएंगे। ओ हाँ ये वाला जो आया था ना, हाँ तो सोचते हैं कि इसको इसमें लगा दे। हाँ और आप गिर गई तो जरा ऊपर चढ़ी हैं, गिर गए तो बस हाथ पर टूट जाएगा, यही ना होगा और क्या होगा। अच्छा बस हाथ पे टूटेगा, चोट जो आई थी वो, 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ जाएगा। ये देखिए गाइस मम्मी कैसे कर रही हैं, हमें पता नहीं, देख लीजिए आप एक बार। हो रहा है, हो जाएगा, छोटा है, ऐसे ही रहने दो, उसके बाल आ गए हैं। क्या हुआ, क्या
अब अच्छा लग रहा है मम्मा। अब उस रूम में जाना है ना, यहीं से ले चलूँ मैं। पापा पापा तो सो रहे हैं मम्मी। अभी जब हम लोग सोएंगे ना तब ये उठेंगे, नहीं तब कूलर चला के सोएंगे ना तो पापा सो जाएंगे फिर। मम्मी ये पीछे जो बन गया है ना वो फूल, वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गाइस यहाँ पे मिरर लग गया है। ये देखिएगा इस पीछे का वॉलपेपर। इतने दिनों से ये काम आता हुआ था एकदम। हेलो